आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं टाटा एस के अंदर आपका इंजन ऑन ऑफ का जीपीएस। ये है आपका जीपीएस, इसको लगाएंगे। ये है इसकी वायरिंग और ये इंजन ऑन ऑफ में काम आने वाली रिले। आज रिले का कनेक्शन बताते हैं आप एस में कैसे होंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका ये ढक्कन नीचे लगता है, इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के लिए तीन नट है, ये खोल लेंगे, ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद चाबी के पीछे आपका तीन वायर आती है। ये आपका चाबी का वो है, इसके पीछे से ये आपकी वायर है, तीन चार वायर होंगी। ये आपकी वायर है, ये वाली, ये वायर है आपकी, ये रही आ गई। अब हम देखेंगे, अब पहले गाड़ी को चालू करेंगे, पहले कंफर्म करेंगे कि हमारा हर गाड़ी में ऐसे ही होगा कनेक्शन। किसमें हमारा, ये देख लीजिए गाड़ी चालू हो गई। अब हम इस कपलर को निकालेंगे, ये आपका कपलर है, ये गाड़ी बंद हो गई, मतलब इंजन ऑन का कनेक्शन इसी में है। अब हम इसके अंदर करेंगे चेक, और चेक करने के लिए हम इसको वापसी लगा लेंगे, मीटर ले लेंगे, मीटर को 20 पे कर लेंगे, 20 पे देख लीजिए, 20 पे कर लिया, एरो है, ये आपका ऑफ है, इसको 20 पे कर लिया। अब रेड वाले हमने रेड डाल लिया है, और ये देख लीजिए 12 वोल्टेज आ गई, मतलब हमारे रेड डायरेक्ट हो गई। अब येल्लो में डाल लिया है हमने, बंद कर लिया, येल्लो में हमारा कुछ नहीं है, रेड में भी कुछ नहीं आ रहा हमारा, बहुत कम वोल्टेज आ रही है, मतलब इसमें प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रही है, मतलब रेड में कुछ नहीं आ रहा, ब्लैक में भी कुछ नहीं है। अब हम गाड़ी को करेंगे एसीसी से। अब हमारा येलो में करंट आ गया, और अर्थ देख लीजिए यहाँ पे लगता है इस तरीके से, आप कहीं पे भी अर्थ को लगा सकते हैं, अर्थ को यहाँ पे लगा लीजिए। येलो में हमारा अभी नहीं आया, अभी एसीसी पे किया है हमने इसको, देख लीजिए यहाँ पे एसीसी लिखा हुआ है, अभी येलो में करंट नहीं आया है, हमारा रेड में करंट आ गया है, इस रेड में करंट आ गया है, इस येलो में नहीं आया है। फिर हम दोबारा से इसको एक और आगे चालू करेंगे, ऑन पे करेंगे, ऑन पे करने के बाद देख लीजिए आपका करंट आ गया है, रेड में तो पहले से ही आ रहा था। अब हम, हमारा कंफर्म हो चुका है इसके अंदर ही हमारा इंजन ऑन ऑफ कनेक्शन होंगे, तो हमारी वायर कौन सी कटेगी, इसके अंदर आपकी येल्लो वायर कटती है, येल्लो वायर से ही आपका क्या होता है डैशबोर्ड में यहाँ पे लाइट आती है, ठीक है, डैशबोर्ड की वायर कटेगी तो इसमें येल्लो कटेगी। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, कनेक्शन करेंगे, रेड हमारा ऑलरेडी इन्होंने छीला हुआ है यहाँ पे, तो इसको हमें छीलने की जरूरत नहीं है, येल्लो वाला हम कट कर लेंगे, हमने कट कर लिया है, इसको छील लिया हल्का सा। अब हम इसको दोबारा कंफर्म करने के लिए, वैसे तो हमें कंफर्म है, हम इसको लगाएंगे वापसी कपलर में, कपलर में लगा दिया, अब हम इसको चालू करेंगे, ये देख लीजिए चालू नहीं हो रहा है, ये इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको लगाते ही आपका देख लीजिए चालू हो गया, और इसको निकालते ही आपका गाड़ी चालू हो गई है। अब इसको हटाते ही गाड़ी बंद हो जाएगी, मतलब हमारा तार बिल्कुल ठीक कटा है। अब इसके अंदर हम रिले के कनेक्शन कर देंगे, रिले के कनेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में बताऊंगा, आप ढंग से करिए फिर इनको कनेक्शन को। ये वायरिंग है, इस वायरिंग को मैं खोल देता हूँ, ये आपका बॉडी अर्थ है ब्लैक वाला, ऑरेंज एसीसी है, और येल्लो ही हमारा एसीसी भी होता है, यही कटता भी है। अगर इंजन ऑन ऑफ का जीपीएस नहीं लगाते तो हमारा ये कटता नहीं, इसकी तरह छिलके टेपिंग हो जाती है इस पर। अब हमारा रेड जो है डायरेक्ट है, और जीपीएस का रेड भी डायरेक्ट होता है, तो हम इसको जिसमें हमेशा करंट आता है उसके अंदर लगा देंगे, रिले का वाइट और जीपीएस का रेड, ये हमने इसमें लगा दिया। इसको ढंग से लगाना है आपको, मैं अभी थोड़ा सा टेम्परेरी बाद में, रिले का एक ग्रीन सिरा मैं इस तरफ लगा दूंगा, दूसरा ग्रीन सिरा आपका येलो में लगा दूंगा। अब एसीसी का वायर है इसमें आपका ऑरेंज कलर का है, ये किसी में वाइट होता है किसी में ग्रीन होता है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वाइट है या ग्रीन है तो वो एसीसी होता है। एसीसी की वायर हमारी ये थी, येल्लो ही थी, तो मैं इसको ग्रीन पे लगा दूंगा, ग्रीन के साथ ही लगा देते हैं इसको, ये डायरेक्ट पे लगेगा आपका जिसमें हमेशा करंट आता है। अब रिले का येल्लो जो है जीपीएस के येल्लो के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जीपीएस का येल्लो ये है आपका, ये मैंने कनेक्ट कर लिया है,
और अब हमारा रह गया है अर्थ, बॉडी अर्थ। बॉडी अर्थ को आप ढंग से लगा लीजिए, मैं इसको अभी टेम्प्रेरी बेस पे लगा लेता हूँ कहीं पे। मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है चेकिंग के लिए, वरना आप इसको थोड़ा अंदर की साइड देख लीजिए, थोड़ा अंदर की साइड लगाइए ब्लैक को और सब कुछ छुपाने का छुपा दीजिए इसके अंदर। मैं अभी आपको प्रॉपर कनेक्शन करके भी दिखा दूंगा, जब प्रॉपर कनेक्शन हो जाएंगे तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। अभी हम इस पे इस तरीके से लगा के टेपिंग कर लेंगे अच्छे से लगा के। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं ठीक है। ये जीपीएस का वायरिंग का एंड है, अब हम इसमें जीपीएस लगा देंगे और ये जीपीएस हमारा चालू हो जाएगा। इसको हम अंदर से ऑन कर देंगे, ये अंदर से ऑन है, इस तरह से एक सिम डाल लेंगे और ये आपका ऑन हो जाएगा। ये अर्थ यहाँ पे ठीक आ नहीं रहा है तो मैं इसको टेम्प्रेरी बेस पे, इसमें चाबी लगेगी, इसको यहाँ पे लगा देते हैं अर्थ को, यहाँ पे ठीक आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसको लगा लेंगे कपलर में वापसी, अर्थ को चेक करता हूँ। ये देख लीजिए पूरा अर्थ आ रहा है, अर्थ को मैंने यहाँ पे लगाया टेम्प्रेरी, ये टेम्प्रेरी अर्थ लगाया है, ये हमारा जीपीएस है। अब गाड़ी को हम करेंगे चालू, येल्लो ये आपका, और ये कहीं बॉडी अर्थ में टच करते हैं हम इसको, कहीं पर भी ब्लैक मतलब बॉडी अर्थ यहाँ पे टच करते हैं इसको। अगर येल्लो हम बॉडी अर्थ में टच करने से बंद हो जाता है तो हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके है। ये देख लीजिए अभी, ये देख लीजिए, ये बंद हो गई हमारी गाड़ी, मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ओके हैं। आप इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं, ये देख लीजिए कनेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जीपीएस ये अंदर की तरफ टाई हो चुका है, अभी ये भी सब कुछ अंदर चला जाएगा, सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। ये देख लीजिए टेप इस तरह से कर दिया हमने, ये आपका बॉडी अर्थ जो है इसके साथ में घुमा के यहाँ पे लगा दिया है। अब हम इस ढक्कन को लगा देंगे और ये वापसी पैक हो जाएगा और ये कनेक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बल्क में परचेज करना चाहते हैं तो आप फोन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।